हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी सब ठीक है। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 8:30 बजे से, और दोनों बच्चे मेरे सोए हुए हैं अभी। दिव्यांश की तबीयत थोड़ा ठीक है अभी, आज हल्का सा ही है शायद बुखार। उसको स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि कल उसका हमने ब्लड टेस्ट कराया था, आज रिपोर्ट आएगी, फिर देखते हैं क्या निकलता है। अगर ठीक निकलेगा तो कल से स्कूल भेजेंगे। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ कुछ नाश्ते का, तो बना लेती हूँ जल्दी से, फिर मिलती हूँ आप लोग। तो गाइस, मैंने बच्चों के लिए बनाई थी रोटी और मैगी, तो इन लोगों ने खा ली है। अभी हल्का हल्का बुखार लग रहा है इसको। मैं फिर होंगे हम लोग नहा धो के तैयार, फिर निकलेंगे दुकान के लिए। तो मिलते हैं गाइस 10 मिनट। तो गाइस, मैं गई थी अभी कपड़े वाली शॉप पे, जहाँ पे हमारे कपड़े की शॉप थी उधर, और मैं दोनों बच्चों को इधर ही छोड़ के गई थी फ़ोन देके। तो मैं अभी आ रही हूँ, एक बज चुका है, मैं चली गई थी 11:30 बजे। तो तब से अभी आ रही हूँ मैं, उधर स्कूल में बात करने लगे, इतना टाइम लग गया पता ही नहीं लगा। तो अभी पहुँची हूँ रूम पे, और मैं फिर से तैयार हो रहे हैं हम लोग रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो दोनों को लेके जाती हूँ रेस्टोरेंट, दोनों ऐसे ही पड़े, अब दोनों को तैयार करती हूँ, फिर लेती हूँ, फिर चलते हैं हम लोग रेस्टोरेंट। तो गाइस, अभी मैं पहुँच चुकी हूँ रेस्टोरेंट में। जैसे पहुँची तो दिव्यांश की रिपोर्ट आ गई, तो दिव्यांश को निकला है टाइफाइड। तो दोनों बच्चों को लेके मैं पहुँच चुकी राखी के रूम पे। तो यहाँ पहुँचते ही मैंने इन दोनों को दवाई खिलाई और दोनों बच्चों को सुला के अब मैं जाऊँगी वापस से रेस्टोरेंट को। वो तो मिलते ही फिर। तो अभी मैं आ चुकी हूँ राखी के रूम पे, दोनों को उठाने के लिए 6 बज गया था, मेरा देखती हूँ उठे नहीं आए, तो दोनों के दोनों उठ गए हैं मेरे आते। तो अभी दिव्यांश की तबीयत तो ठीक है, बुखार नहीं आया उसको, इरा उठ गया है। ये ला माला जुबा, लेकिन आयु को आ चुका है बुखार। आयु को बुखार आया तो पानी। तो अभी हम आ चुके हैं राखी के रूम से, और इधर ना आयु को बुखार आया था, दवाई खिलाई तो उसका बुखार भी उतर गया, अभी खेलने में लगा है। और दिव्यांश को क्या खाना है दिव्यांश? पानी। देखो टाइफाइड में इसको ना पानी पूरी खाना है। ये कोई बात होती है, कोई खाता है टाइफाइड में पानी पूरी? कोई समझाओ इस लड़के को। ये देखो रोने में पड़ रखा है, तब से रो रहा है, रो रहा है। देखो मम्मा को लात मार रहा है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो मैं नहीं दिलाऊंगी आयु को, मैं आयु को नहीं दिलाऊंगी, गुन्नू को दिलाऊंगी। छोड़ दो गुन्नू, इसकी मड्डी तोड़ती, छोड़ दो छोड़ दो, इसकी मड्डी तोड़ती, छोड़ दो। बहुत मारता है मम्मा को, इसकी आज आज आयु की हड्डी टूटेगी। सब भागता है ना, ये आयु कहाँ गया? खिलाओ तेरे को पानी पूरी, खिलाओ। हाय पानी पूरी हो गई है, हाय पानी पूरी, बस पता नहीं कैसी पानी पूरी हो गई है इस लड़के की। अरे भागते रहता है, बस इधर से उधर भागते रहेगा। अभी इसका बुखार ठीक हो गया ना, अभी तक जब तक बुखार आ रखा था इतना रो रहा था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है तो घूम रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, बस हाथ ही नहीं आएगा। नीचे पहुंच गया देखो साइकिल के पास, एक अंदर से चिल्ला रहा है पानी पूरी पानी पूरी पानी पूरी। ये देखो फिर आ गया, जिसका नाम है दिव्यांश, पीछे लेके आया। देखो चलो 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 पानी पूरी खाने चलो, ऐसे बोला है। मजा ही आ गया। तो अभी उसको पानी पूरी खाना, इधर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, आसपास कहीं रेड़ी है नहीं पानी पूरी की, दूर दूर है पानी पूरी की रेड़ियाँ, और इनको पानी पूरी खाना है। अब कहाँ ले जाऊँ मैं, बताओ आप। तो फिर राखी और गुन्नू के पापा भी नहीं आए हैं, देखते हैं कब आते हैं, फिर इन लोगों को ले जाएंगे पानी पूरी खिलान, राखी को खिलान, तो फिर मिलते हैं आप लोग। हे गाइस, ब्लॉग का दूसरा दिन है और हम पहुँच चुके हैं शॉप पे, और आज आए मैंने एक पार्सल मंगाया था। ये जो टेबल पे बिछाने वाले होते हैं ना, बहुत ख़राब हो गए थे 3-4 टेबलों के, तो मैंने नए मंगा रखे हैं 4। तो देखते हैं कैसे आए हैं, पता नहीं। इसकी ओपनिंग कर रहे हैं दिव्यांश और आयु,
तो गाइस आज हम लोग ना सुबह से शॉप पे आए नहीं थे, अब भी आए हैं और कल भी मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कंटिन्यू नहीं रख पाई क्योंकि ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब इसको आने लग गया बुखार, तो इसको कल शाम को भी बुखार था, सुबह भी था और अभी भी आ रखा है। तभी मैं आने की नहीं सोच रही थी, फिर यहाँ से जो लड़का है ना उसको देख के इतना दिमाग ख़राब है, रोज़ रोज़ गायब हो जाता, वो आज भी गायब है। तो तब आए थे हम लोग इधर और दिव्यांश कर रहा है इसकी ओपनिंग, तो देखते हैं दिव्यांश से हो पाता है कि नहीं हो पाता। हो पाता है? चलो मैं करती हूँ, आधा मैं करती हूँ, रुक छोड़ उंगली हटा अपनी। नहीं नहीं वो अंदर का पार्सल कट जाएगा, तू काटेगा तो। एक तो ऐसी चीज़ है कि जो थोड़ी सी भी कट जाएगी तो फिर बस गया काम से। कितने पार्सल आए? तो ये रहा, बाहर से तो ठीक लग रहा है, बिछाने के बाद पता लगेगा कैसा क्या है। तो गुनू ने कर दिया पार्सल ओपन, वेरी नाइस। मैं इसको चारों में बिछाती हूँ, पहले तो एक में बिछाती हूँ कैसा लगता है तो देखते हैं। तो गाइस हम ये लोग आए राखी का रूम चेंज करने, तो इसका सामान पैक हो गया, कल तक इस रूम पे आते थे आप पता नहीं कहाँ जाएंगे। इसका रूम यहाँ पर दूसरी जगह जा रहा है, ये तो सारा सामान वामान पैक कर दिए है। अभी आए थे हम लोग थोड़ी देर पहले, दोनों बच्चों को मैंने दुकान पर छोड़ा है, अभी इधर आई थी, इसका सारा सामान पैक करा, दूसरी जगह ले थी रूम, अभी जाते हैं हम लोग, अभी आएंगे बाहर भी। देखो आ गई, पता नहीं कहाँ जा रही है इधर से रूम छोड़ के, अब मतलब निकाल लियो इससे बाल्टी उल्टी करके इस पे चढ़ के। हाँ तोड़ना है, क्यों टूटेगी पक्की है वो, चल ले निकाल लेगी तो। इसको पहले बाहर रखो, निकाल लेंगे तब, हम भूत घुस रहा अंदर। वहाँ पहुँच गई, मैं बोली बाल्टी लगा तो कंबल लगा रही है, नहीं तो बाल्टी लगा कह रही हूँ, अपने आप को ज़्यादा ही लंबी समझती है, तब भी ना पहुँचेगी। पकड़ो। तो गाइस ये है राखी का नया रूम, तो यहाँ शिफ्ट हो गई है अब बेड बुड लगा के। देखो इधर आ गया तू, तो भाई क्या तो की खा रहा रूम के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।